जय शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आप महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर फटाफट जान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। बेसिक स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिकाओं के भुगतान हेतु आदेश जारी। बेसिक शिक्षकों के स्कूल में रोस्टरवार 50% स्टाफ उपस्थिति का आ सकता है आदेश, वीएसए का पत्र देखें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यूपी बोर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 9-11 की डेट 21 सितंबर तक बढ़ी, अर्थात यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 11 क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसकी डेट जो है 21 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, आदेश आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2020 है से बढ़ाकर 21 सितंबर 2020 कर दिया गया है। रिजल्ट जो है कल जारी हुआ है, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो जिनका यूपीपीसीएस में आप बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं न्यूज कि 15 जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे स्कूल बार जांच, जिलों के नाम व जांच अधिकारी के नाम देखें। आप यहां से डीप लिस्ट को देख सकते हैं 15 जिले कौन कौन से हैं। आइए उन 15 जिलों को हम यहां से देख लेते हैं जिन 15 जिलों में अधिकारी निरीक्षण समीक्षा करने वाले अधिकारी के नाम दिए गए हैं। इधर क्रम संख्या दी गई है, जनपद का नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 15 जिलों में फटाफट हम देख लेते हैं। सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर है, मथुरा है, उन्नाव है, मुजफ्फरनगर है, सुल्तानपुर है, मिर्जापुर है, बलिया, कुशीनगर, गाजीपुर, महोबा, आगरा, कानपुर देहात, बहराइच। तो आप ये 15 जिले देख रहे हैं, इन 15 जिलों में नोडल अधिकारी निरीक्षण समीक्षा करने वाले अधिकारी का गठन किया गया है। आप यहां से विस्तृत में देख सकते हैं कि कौन सा अधिकारी कहां पर निरीक्षण करें। SBI सैलरी अकाउंट बेनिफिट, SBI सैलरी अकाउंट वेतन खाते से लाभ ही लाभ है यहां पर पूरा। तो आप जान सकते हैं आपको क्या क्या फायदे होते हैं अगर आपका SBI सैलरी अकाउंट है। तो मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका अकाउंट SBI में है और आप जो सर्विस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपका जो पैसा उस अकाउंट में जो आपकी सैलरी जाती है इससे ही आपका सैलरी अकाउंट नहीं होता है। सैलरी अकाउंट करने के लिए आपको बैंक में जाकर एप्लीकेशन देना होता है कि आप मेरे सैलरी, मेरे जो जनरल अकाउंट है जिसमें मेरे सैलरी जा रही है, तो उस अकाउंट को आप सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करें। मैं खुद कन्फ्यूज में था पहले, मुझे लगता था कि मेरी जो है सैलरी का पैसा उस अकाउंट में जा रहा है तो मेरा सैलरी अकाउंट है, लेकिन जब मुझे कुछ आवश्यकता हुई तो मैंने खुद जाकर वहाँ पर अपने SBI बैंक से जो है मैंने आवेदन किया और फिर मैं अपने जो मेरा जनरल अकाउंट था उसको सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट किया गया। तो उसके बहुत से बेनिफिट होते हैं, आप उस बेनिफिट को समझ सकते हैं। जान जिन्हें मुख्य रूप से मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, आजीवन शून्य जीरो बैलेंस का खाता, अर्थात जीरो बैलेंस, आपका किसी प्रकार के बैलेंस की बाध्यता नहीं होगी। ATM मुक्त, ATM कार्ड, चेकबुक, इसके बाद नेफ्ट, RTGS, तमाम तरह की सुविधाएं किसी प्रकार से सब मुक्त होती हैं। इसके अलावा मुफ्त होती हैं, किसी भी बैंक के ATM द्वारा धनराशि की असीमित आहरण निःशुल्क है। और 1 लाख से लेकर 20 लाख का आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु बीमा सुरक्षा कवर इसमें होता है। और खाता धारक को आकर्षक ब्याज दरों पर हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि की सुविधा एवं प्रोसेसिंग चार्ज में छूट मिलती है। 2 माह के वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। लॉकर सुविधा प्राप्त करने में वरीयता एवं वार्षिक शुल्क में छूट होती है। बिना किसी कागजी कार्रवाई के 8 लाख तक के प्री अप्रूव पर्सनल लोन, जिसे बोलते हैं PAPL ऋण की सुविधा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, परीक्षा 35% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा, 75 जिलों में आज था एग्जाम। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण पर्यवेक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों का न्यूनतम निरीक्षण लक्ष्य एवं निरीक्षण प्रपत्र जारी कर दिया गया है। सहायक शिक्षा निदेशक 1 माह में कम से कम 20 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 माह में अपने जनपद के कम से कम 20 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। जनपद पर तैनात प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा 1 माह में जनपद के कम से कम 20 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे।
और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में कम से कम 40 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी खंड शिक्षा अधिकारी के पास 2 विकास खंडों का प्रभार है तो प्रत्येक विकास खंड के 20-20 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना। जो जरूरी ये है कि यहाँ पर दिया गया है कि 100% निरीक्षण करते हुए ऑनलाइन निरीक्षण आख्या प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, क्योंकि वर्तमान में COVID-19 के दृष्टिगत विद्यालयों में पठन पाठन कार्य स्थगित है, अतः उक्त निरीक्षण आख्या में बच्चों की संख्या 0 अंकित किया जाए। तो यहाँ पर आप निर्देश देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या तो 0 अंकित की जाएगी, लेकिन अन्य कार्यों को यहाँ पर जांच करके, जो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन जो है निरीक्षण आख्या प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना। 2020-21 में परिषदीय विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट व्यय हेतु नवीन निर्देश जारी हो गए हैं कि परिवार के लिए प्रतिष्ठा बन गई मार्कशीट, पीएम मोदी जी ने किया साफ, वर्ष 2022 से नए पाठ्यक्रम से होंगी पढ़ाई। मानव समता पोर्टल पर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों का सेवा विवरण एवं सेवा पुस्तिका ज्यादा कॉन्टेंट अपलोड पर शिक्षक होंगे पुरस्कृत, विद्यादान के रूप में मनाया जाएगा माह सितंबर व और PCS प्रमुख परीक्षा 2019 व RO AR 2016 के प्रवेश पत्र जारी। इस तरीके से आज की लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट आपने जाना। ऐसे ही लेटेस्ट शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आप नवीनतम अपडेट पाते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक का ऑडियो और वीडियो के रूप में कंटेंट जो है मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।